मैंने जैसे बताया 4-8-12 में मून हमेशा बुरे रिजल्ट, सॉरी 6-8-12 में मून हमेशा बुरे रिजल्ट देता है, तो 12 में भी मून खराब रिजल्ट ही देगा। ठीक है, कल किसी ने बोला था बाल अरिष्ट योग के बारे में कि उनके किसी घर में फैमिली मेंबर का, रवि जी ने बोला था शायद ना। जी सर, हाँ, अब उसमें क्या है, 8th हाउस मून है, और जो मैंने बात बताई थी कि पहले 18 महीने में कोई ना कोई हादसा ऐसा होगा, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ। दो चीजें हैं यहां पे, प्रॉब्लम मून को है। ठीक है, बच्चे का मून है और बच्चे का मून उसकी मदर है, तो या तो बच्चे को खुद को दिक्कत होगी या उस पीरियड में माता को कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर दोनों ही नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कहीं बहुत अच्छा जुपिटर बैठा मून को सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो ये होगा ही होगा। जुपिटर मतलब मेरी वाइफ की पत्नी में या बेटी की? जिसकी पत्री की बात हो रही है, जिसका चंद्रमा ओके, 8 में है, उसका जुपिटर कहाँ है? उनका 11th में अच्छा, रेट्रो है। नहीं, रेट्रो से बात बाद में मतलब मैंने करेंगे। आपको पूरा हाँ बताया कि जुपिटर 11th हाउस में है। जी ठीक है, जी तो कहीं ना सर, कहीं से जुपिटर की सपोर्ट आ रही होगी, वो जब पत्री नहीं लगाएंगे सर, तो देखेंगे नहीं आ रही सर, वो भी नहीं आ रही है। जी देखेंगे देखेंगे सर, अब पत्री पे लगाने दो, और जी हमारे जी सूत्र क्या है उनके हिसाब से सपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही, जी पहले वो देखना वो पड़ेगा। हाँ सॉरी आपने जो सूत्र पढ़े हैं वो अलग हैं, BNN के सूत्र जो हैं वो अलग जी सर, है ना, सॉरी जी। तो वो देखेंगे कैसे आ रही है, कौन सी राशि है, कैसे सपोर्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, तो जी अच्छा है सर, नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छी ये बात बहुत है। अच्छी हम तो बात है फाइंड आउट मतलब। करेंगे, हम तो फाइंड जी आउट करेंगे कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। जी ऐसा सर, नहीं है कि मैच नहीं करा तो छोड़ दिया। जी ज्योतिष में एक चीज से हमेशा बचना चाहिए, मेरे एक स्टूडेंट ने ये शब्द मुझे दिया था, फिटोलॉजी। कहीं ना कहीं से कुछ भी अपना मतलब निकाल के फिट कर दिया, ये सब करते हैं। फिटोलॉजी सबसे ज्यादा चलती है, तो फिटोलॉजी कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। जबरदस्ती तुक्के मार मार के अपनी बात को, अपनी इक्वेशन को मैच करा के, देखा मैंने ठीक कहा था ना, ऐसे करके ना मैं निकलूंगा ना आपको निकलने दूंगा। सीखना है ढंग से सीखो, ठीक है, बचना नहीं। सीखने के लिए बैठे हैं आप भी जी और मैं सर, भी, ठीक जी सर, है, तो बचने का रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर मेरे उसमें ये हुआ था जैसे 18 महीने कहा था आपने, तो बच्चे की कुंडली में 3rd हाउस में बकरी गुरु भी है जो कि 4th के रिजल्ट देगा, 4, 8, 12, और 8th में चंद्र भी है सूर्य भी है, तो 9 9 महीने में क्या हुआ कि मैं 9 महीने मायके रही, और अगले जो 9 महीने थे उस 9 महीने में बच्चा सीरियस केस हुआ था उसके साथ। ये 18 महीने और मेरे तो सेट बैठते हैं। बैठेंगे ही बैठेंगे। और रवि जी हाँ आपका भी देखो जवाब आ गया यहाँ पे, मैं उस अभी इग्नोर कर रहा था क्योंकि आप लोगों जी का भी सूत्र नहीं पता। रेट्रो प्लैनेट जो होता है अपने से पिछले हाउस का रिजल्ट देता है, तो 11वें हाउस में अगर रेट्रो प्लैनेट है तो वो 12वें हाउस के पूरे रिजल्ट देगा, और जब 12वें में वो बैठा हुआ है तो वो 8 को देखेगा। जी सर, ठीक है, ओके तो सर, इसलिए जुपिटर की सपोर्ट के बिना ये इवेंट ना हो ऐसा होता नहीं। रेट्रो मीन्स समझ नहीं पाए सर। ना सर अभी जब समझाएंगे, जब अभी डिटेल में समझाएंगे, चलेंगे जब तब समय देखेंगे आएगा सर, तब तब समझाएंगे। मैं देखेंगे इसीलिए अभी टाल रहा था, जी सर। मैं इसीलिए टाल रहा था क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल नए हैं, अभी उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो जी मैंने इसीलिए कहा मैं पत्री जब लगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इवेंट हुई है तो उसका कारण ना हो, नहीं हुई है तो उसका कारण ना हो, जी क्योंकि जो सर, सूत्र मैं बता रहा हूं वो 100% लगेंगे, 99.99 वाला अपने पास कोई काम नहीं है। जी ठीक सर, है, जी हो गया सारा मून, हो गया पूरा 12 हाउसेस। अब शुरू करते हैं मार्स। मार्स इन फर्स्ट हाउस, मार्स इन फर्स्ट हाउस क्या है, मार्स का अपना घर है। अच्छा, मार्स के बारे में एक बात बताता हूं, हिंदी में इसका नाम है मंगल, है ना, किसी को कोई आशीर्वाद देता है तो कहते हैं सब तुम्हारा मंगल हो, ये सिर्फ नाम का ही मंगल है,
लेकिन इसका जो कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर, वो है झगड़ना। मंगल का मतलब ही है झगड़ा। अब झगड़ने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक बॉर्डर पे आर्मी वाला जो देश के लिए लड़ता है, लड़ तो रहा है ना, लड़ तो वो भी रहा है ना, बट फॉर अ गुड कॉज। और एक मंगल है जो डाकू बन के गांव को लूटता है, वो भी झगड़ा ही कर रहा है लेकिन फॉर बैड कॉज। तो मंगल दोनों ही हालत में कर झगड़ा ही रहा है, क्योंकि उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो झगड़े का ही है। कितना ही अच्छा हो, ये झगड़ के ही अच्छा साबित होगा, ये शराफत से कभी नहीं चलेगा। आपकी पत्री में जहां पे भी मंगल बैठा, मंगल का मतलब झगड़ा है। भाई देश के अच्छे के लिए भी तो लोग लड़ते हैं ना, फौज में मरते हैं ना, जब बेचारे शहीद होते हैं ना, लड़ते ही तो हैं वो। तो मंगल का मतलब है लड़ना, पहले ये बिठा लेना। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस किसका है? मंगल का, अपना घर है। तो जातक कैसा होगा बताओ जरा, एक आधा कोई झगड़ालू होगा सर, दमदार होगा, एग्रेसिव होगा, झगड़े वाला होगा, लेकिन झगड़ेगा फॉर गुड कॉज, क्योंकि वो उसका अपना घर है,